क्रांतिकारी तो पहले से हो चुका है, मोदी जी के क्रांतिकारी कदम तो उठाए 10 साल में, गरीबों के आंख के आंसू को पोंछा है। पार्टी नेतृत्व क्या करता है, पार्टी ने तो पहले ही उनको नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, तो उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। उन दोनों के बीच में क्या गुल खिल रहा है, मुझे जानकारी हुआ कि लालू जी ने सबको टीका लगाया दही का, सिर्फ नीतीश कुमार जी को नहीं लगाया, तो आप समझा सकता है क्या होने वाला है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। ये दही चूड़ा का आयोजन बीजेपी ने पहली बार किया है, इसके जरिए क्या आप लोग दही चूड़ा के जरिए क्या संदेश? दही चूड़ा का आयोजन हर साल होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्थान पर होता है। पहले कोई MLA दिया करते थे, कोई सांसद दिया करते हैं, आज पार्टी में किसान मोर्चा ने दिया है, तो आज किसानों का ही दिन है। जब आप गांव से हो तो गांव में जब खेत में किसान धान वान काट करके तो नया चूड़ा कूटता है, उसका चूड़ा दही का, आज नया वर्ष भी है। बिल्कुल, लेकिन दही चूड़ा तो बहाना है, दही चूड़ा तो बहाना है और राजनीति गुल खिलाना है। नहीं 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 नहीं, इसमें कोई राजनीति का क्या है, इसमें हमारे पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आएंगे हमारे दफ्तर में, खाएंगे दही चूड़ा और नया साल को उमंग से मनाएंगे। तो क्या ये मकर संक्रांति राजनीति क्रांतिकारी लाएगा? क्रांतिकारी तो पहले से हो चुका है, मोदी जी के क्रांतिकारी कदम तो उठाए 10 साल में, गरीबों के आंख के आंसू को पोंछा है। वो लोग जो बहुत हजारों वर्षों से परेशान था, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ था, उसको आगे लाने का भरपूर प्रयास किया और 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यही तो संकल्प है मोदी जी का, हर गरीब को गरीबी से निकालेंगे और 2047 में सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारतवर्ष होगा। लेकिन एक तरफ लालू यादव अपने आवाज़ पे दही चूड़ा निमंत्रण दिए हैं, सभी लोगों को बुला भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी यह कर रही है, क्या लगता है राजनीति परिवर्तन भी होगा क्या? कौन सा राजनीतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार आपके साथ आ रहे हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता। आने वाला पार्टी नेतृत्व क्या करता है, पार्टी ने तो पहले ही उनको नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, तो उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। उन दोनों के बीच में क्या गुल खिल रहा है, मुझे जानकारी हुआ कि लालू जी ने सबको टीका लगाया दही का, सिर्फ नीतीश कुमार जी को नहीं लगाया, तो आप समझा सकता है क्या होने वाला है। लेकिन तो पैदल कुछ जदयू के नेता पैदल जा रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं लालू आवास पर दावत देने के लिए। किसको दावत जो दिए हैं लालू प्रसाद यादव, उसमें वो अपना पैदल आते रहे जाते रहे, उन लोगों का मामला है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। गले लगाइएगा नीतीश कुमार को। कौन गले लगाइएगा नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानीय हैं, तो संस्कार और शिष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग सबको गले लगाते हैं। तो गले लगाएंगे? अरे गले लगाने में संक्रांति के दिन क्या दिक्कत है भाई, हम अपना व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, हमारे सामने होंगे, मैं गले लगा भी लूँगा, प्रणाम भी करूँगा, बड़े हैं हमसे आशीर्वाद भी लूँगा, ये मेरे संस्कार में है, और लोगों की पार्टियों के क्या संस्कार है मुझे नहीं मालूम। लालू यादव को क्या देंगे? लालू यादव जी स्वस्थ रहें, नया वर्ष है, स्वस्थ रहें। निश्चित तौर पे तो ये थे रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हालांकि इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को स्वस्थ रहने की हम कामना करते हैं भगवान से, वहीं नीतीश कुमार को भी गले लगाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल माना गया है, राजनीति में कुछ भी संभव जो है वह समय समय पर देखा गया है, इस बार भी कुछ यही जताया जा रहा है। बीजेपी वाले भी अब पूर्ण रूप से अब ये जो है ठान लिए हैं कि नीतीश कुमार अगर जब भी वो आते हैं तो उनके स्वागत में हम लोग जो है वह तैयार हैं। इंतज़ार है कि अब तो खरमास भी बीत चुका है, अब क्या नीतीश कुमार राजनीति करवट लेंगे। धन्यवाद।